अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो उर्दू में ख़त लिखने के हवाले से है कि आपने उर्दू का जो ख़त होता है, ख़त का एक क्वेश्चन आता है, वो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, इसमें आपको मैं तमाम वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके ख़त लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम बग़ैर किसी इंतज़ार की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर होता है वो आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आप समझ सपोज कर लेते हैं कि आपका जो ख़त का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यूज़ आपने कट मार्कर ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पर अपना ख़त जो है वो स्टार्ट करना है। बड़ी एक हेडिंग दे दें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना है, पेन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपने लिखना है अज़ कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स कमरा इम्तिहानी वो चीज़ें होते हैं जो आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। अज़ कमरा इम्तिहान लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है तारीख वगैरह लिख देनी है, ठीक है। इस कमरा इम्तिहान लिखने के बाद आपने स्टार्ट में यहाँ पर लिख देना है कुछ जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, मोरखा लिख देना है, मोरखा 09 जो भी होगा डेट होगी वहाँ पर आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आप जिसके नाम ख़त लिख रहे हैं आपने उसका नाम लिखना है यहाँ पर आप अगर आप मार्कर यूज़ करना चाहें तो मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेन से लिखना चाहें तो आप पेन से भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है प्यारे अब्बा जान, अगर आप अब्बा जान का नाम लिख रहे हैं तो आपने यहाँ लिखना है प्यारे अब्बा जान, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने यहाँ पर ये हेडिंग लाजमी लगानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे अपना ख़त यहाँ पे इस लाइन से स्टार्ट कर देना है लिखना। अगर आप जिस हवाले से लिख रहे हैं आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है अस्सलामुअलैकुम, उसके बाद आपने कुछ पहले से लिख देने हैं दुआया फिक्रात लिख देने हैं, उम्मीद करता हूँ, आप खैरियत से होंगे, कल आपका ख़त मौसूल हुआ, वगैरह वगैरह। आपने इस तरह अपनी दुआई फिक्रात के बाद जो आपका ख़त है मेन, वो आपने अपना लिखना स्टार्ट कर देना है लिखते लिखते लिखते। जब आप ये सारा ख़त अपना कंप्लीट कर लेंगे, जो कोशिश करनी है आपका नेक्स्ट पेज पे हाफ तक जाए, उसके बाद आपने यहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर आपने इसको एंड कर देना है। और आखिर में यहाँ पर आपने लिखना है वस्सलाम, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे वस्सलाम, ठीक है, और आपका प्यारा प्यारा बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है, या पेपर में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना अलिफ पे जीम लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप इस ख़त को और खूबसूरत थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, इसमें खूबसूरती लाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है इसको रोटेट कर लेना है और यहाँ पर आपने थोड़ी सी लाइनिंग करके इसको थोड़ा सा और मज़ीद निखार लेना है, ठीक है। ये आपने कट मार्कर का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, यहाँ पर मैंने इसको कट मार्कर किया हुआ है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है इनके दोनों इतराफ़ जो है वो छोटी छोटी ब्रैकेट्स लगाकर इसे एक खूबसूरती दे देनी है, इससे आपके ख़त में जो क्या है वो निखार आ जाएगा मज़ीद, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सिंपल सा मेथड ख़त को हल करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियो से। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको और भी मज़ीद जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।